Hello YouTube, Rakesh Shivankar from this side and welcome back again at a very fresh new unboxing of Tech Cookies। फिलहाल अभी हमारे सामने है Realme यानी कि जो बजट किंग ऑफ इंडिया का 5th वेरिएंट Realme 5 Pro और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं इसका अनबॉक्सिंग और बताएंगे क्या है इसके स्पेसिफिकेशन, क्या है इस बॉक्स के अंदर और देंगे कंप्लीट रिव्यू Realme 5 Pro के बारे में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फिलहाल ये जो फ़ोन है वो अवेलेबल है 4GB, 6GB और 8GB रैम के वेरिएंट में। फिलहाल अभी जो हमारे पास है वो है 8GB वेरिएंट। तो जल्दी से करते हैं इसको अनबॉक्सिंग। सो विद दैट बीइंग सेड लेट्स हैव सम टेक बाइट्स। ओके तो सबसे पहले मिलता है हमको सब बेसिक पेपर वर्क जो कि सभी फ़ोन में होता है, उसी के साथ में मिलता है एक सिंपल सा कवर। आप चाहो तो इसको लगा भी सकते हो बैक प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि इसका जो बैक पैनल है हम आगे वीडियो में दिखाएंगे बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है और डायमंड शेप का है। तो अगर आप चाहो इस कवर को यूज़ कर सकते हो। और उसी के साथ साथ है BWOOC का फास्ट चार्जिंग अडाप्टर और ये जो चार्जर है यानी कि आप बोल सकते हो ये जो अडाप्टर है बहुत फास्ट है और हम इसको टेस्ट भी करेंगे और आपको बताएंगे कैसा काम करता है ये जो BWOOC का फास्ट चार्जिंग अडाप्टर। और उसी के साथ में Realme ने लाया है बदलाव और इस बार दिया है Type-C चार्जर या फिर बोल सकते हो Type-C USB पोर्ट, जो कि बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से। Realme ने भी अपना लिया Type-C पोर्ट उसके फ़ोन के लिए। और उसी के साथ साथ ये है इसके बॉक्स कंटेंट और जाते हैं सीधा डायरेक्ट फ़ोन के ऊपर और दिखाते हैं कैसा है फ़ोन, क्या है स्पेसिफिकेशन, सब कुछ। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले के, तो इसमें है IPS LCD डिस्प्ले और इसका जो रेजोल्यूशन है वो है 1080x2340 पिक्सेल्स और ये जो स्क्रीन का साइज है वो है 6.53 इंचेस या फिर आप बोल सकते हो 97.4 सेंटीमीटर। और उसी के साथ में अगर आप बोलो तो इसमें जो प्रोटेक्शन है वो है गोरिल्ला ग्लास 3+। और अगर आप देखो तो स्क्रीन टू बॉडी जो परसेंटेज रेशियो होता है वो है 83.6%, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है और ये हाथ में एक बहुत ही अच्छा सा प्रीमियम लुक देता है। और अगर हम जाते हैं इसके बैक साइड में, तो बैक साइड में है 4 कैमरास और उसी के साथ साथ है एक LCD या फिर आप बोल सकते हो एक LED फ्लैश लाइट और उसी के साथ साथ है फिंगरप्रिंट पैनल, जो कि बहुत ही अच्छा सा एक प्रीमियम लुक देता है। ये तो है अलग बात। तो अगर हम देखें तो इस जो फ़ोन का जो मेन बात है वो है इसका बैक साइड का पैनल। फिलहाल ये तो बना है प्लास्टिक का, बट ये जो डायमंड शेप वाला लुक है फ़ोन जब आप पकड़ते हो इसको हाथ में बहुत अच्छा सा एक लुक देता है बैक साइड में। अगर आप इसको कवर हटा देते हो तो बहुत ही अच्छा सा लुक देता है। ये 2 या 3 कलर में अवेलेबल होता है, अगर आप चाहो तो इसको फ्लिपकार्ट में जाके सेल परचेज कर सकते हो। और एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो वीडियो है ये स्पॉन्सर्ड नहीं है Realme की तरफ से, ये मेरे अपने आप से वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो वीडियो का पूरा ट्रांसपेरेंट रहेगा, तो आप इस वीडियो के जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर भरोसा करके आप परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, इस वीडियो के बाद और एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो आएगा कि Realme 5 Pro में क्या क्या डिसएडवांटेज है यानी कि आप बोल सकते हो क्या क्या कौन से। तो मेक श्योर आप नीचे एक सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करके साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, ताकि वो जो डेडिकेटेड वीडियो आएगा इसके डिसएडवांटेज के ऊपर आप उसको देख पाओ। फिलहाल इस वीडियो में तो मैंने बता दिया क्या क्या है स्पेसिफिकेशन और वगैरह वगैरह। और इसमें जो कैमरा है वो बहुत ही स्पेशल है, तो कैमरा का ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो तो बनता है, तो एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो कैमरा के ऊपर भी आएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो Realme 5 Pro में जो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगा वो है इसका कैमरा, जो कि बैक साइड में है 4 कैमरा यानी कि क्वाड कैमरा। तो उनका जो स्पेसिफिकेशन है एक कैमरा है 48 मेगापिक्सल, तो उसी के साथ में जो नीचे वाला है वो है 8 मेगापिक्सल, उसके जो नीचे वाला है वो है 2 मेगापिक्सल और जो सबसे नीचे वो है 2 मेगापिक्सल। और ये जो सेल्फी कैमरा आता है इस फ़ोन में वो होता है 16 मेगापिक्सल। और इस वीडियो में हम कुछ पिक्चर्स शेयर करेंगे जो कि इसी फ़ोन से Realme 5 Pro से लिया गया है। बहुत ही प्रीमियम सा क्वालिटी का पिक्चर आता है, पिक्चर निकल के आता है, चाहे आप बात करो सेल्फी का, चाहे आप बात करो किसी अलग का, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का पिक्चर आता है। उसी के साथ में कैमरा में बहुत सारे मोड्स दिया गया है, अगर आप चाहो एक एक करके चेक कर सकते हो। सिंपल सा होता है और बेसिक ही होता है, जैसे कि स्लो मोशन हो, पैनोरामा हो और ये बहुत सारा स्टिकर इफेक्ट, ऐसे ही बहुत सारा चीज़ जैसे कि Realme के जो पिछले वर्जन था Realme XT, Realme 3, Realme 2 Pro उसमें भी आता था, वही सेम है। थोड़ा थोड़ा कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है इसके सॉफ्टवेयर में और हार्डवेयर में। बेसिकली ये जो 4 कैमरा दिया है बहुत ही अच्छा सा लुक देता है Realme के फ़ोन को और फ़ोटो जो खींचता है फ़ोटो का लुक भी बहुत ही अच्छा आता है, प्रीमियम टाइप का। अगर हम बात करते हैं इसके बैटरी क्वालिटी की तो इसमें दिया है 4035 mAh बैटरी। 5000 नहीं है मैं मानता हूँ, पर इस बजट रेंज में अच्छा है 4035 mAh का बैटरी। और उसी के साथ साथ में इसमें दिया है Type-C, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा किया है Realme ने। और उसी के साथ साथ भी VOOC चार्जिंग दिया है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। तो यानी कि बहुत कम टाइम में आपका जो फ़ोन को ये बहुत ज़्यादा चार्ज कर देता है, तो इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है Realme के लिए। तो अगर हम बात करते हैं सिम, मतलब जो सिम होता है सिम का कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसमें डुअल नैनो सिम सपोर्ट है और इसमें डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का सपोर्ट आता है। बहुत ही बेस्ट किया है, यानी कि आप दो सिम भी डाल सकते हो एक साथ में, और उसी के साथ में आप डाल सकते हो एक माइक्रो एसडी कार्ड अपने ज़रूरत के लिए, या फिर कभी डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते हो ऐसे पर्पज़ के लिए। और अभी आप जाते हैं सबसे मेन चीज़ दिखाता है फ़ोन का जो स्पेसिफिकेशन है, प्रोसेसर है, क्या है। तो इसमें जो चिपसेट है वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712, और जो इसमें CPU है वो है 2.3 GHz डुअल कोर क्रायो 360 प्लस 1.7 GHz हेक्सा कोर क्रायो 360। और इसमें जो ग्राफिक्स है वो है Adreno 616 ग्राफिक्स। और इसमें जो कोर्स है वो है ऑक्टा कोर, यानी कि 8 ऑक्टा कोर्स, जो कि बहुत ही अच्छा है, फ़ोन को बहुत ही स्टेबल बनाता है। आप चाहो तो इसमें हाई एंड ग्राफिक्स के गेम जैसे कि PUBG हो या फिर कोई अलग गेम खेल सकते हो, बहुत ही स्मूथ चलेगा। उसके जो हाईएस्ट वेरिएंट होता है PUBG के, जो हाईएस्ट होता है अल्ट्रा एचडी, वो वेरिएंट भी बहुत ही अच्छा और स्मूथ चलेगा इस फ़ोन में। अगर हम बात करते हैं फ़ोन के नीचे के साइड के, तो बहुत ही अच्छा है, 3.5mm जैक का अवेलेबल है। तो अगर आप चाहो तो वायर वाला ईयरफोन आप यूज़ कर सकते हो, तो आपको एक ब्लूटूथ वाला सेपरेट ईयरफोन नहीं चाहिए। इस फ़ोन में 3.5mm जैक अवेलेबल है, Realme ने अभी हटाया नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और उसी के साथ में आता है स्पीकर, जो कि मुझे थोड़ा इम्प्रूव लगा Realme 3 Pro से Realme 5 Pro में। उसका साउंड क्वालिटी थोड़ा इम्प्रूव है Realme 3 Pro से। और उसी के साथ साथ आता है Type-C का चार्जिंग करने के लिए मतलब फोर्ड, जो कि बहुत अच्छा है, जैसे कि हम पहले बताए थे इसमें अवेलेबल है Type-C चार्जर। तो इस बात के लिए भी एक Realme के लिए एक लाइक तो बनता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो में एक लाइक तो बनता है। और उसी के साथ साथ आप अगर हमें चाहो तो Instagram पे ज़रूर फॉलो कर सकते हो, जो Instagram का हैंडल है अभी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। उसी के साथ साथ आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो, वहाँ पर जितने भी हमारा सोशल मीडिया लिंक्स है और जो आईडीज़ है वो सब प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पर जाके आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, और कुछ गिवअवे जीतने के लिए आप इससे जुड़ के रह सकते हो सोशल मीडिया साइट पे। थैंक यू एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।